खबरों की नई पहचान। बिजली को लेकर कल शाम दो गुटों में झड़प हुई थी, जिसकी शिकायत लेकर शनिवार को एक गुट के लोग मधुबन थाना पहुंचे। तभी दूसरे गुट के लोग सैकड़ों की संख्या में थाना पहुंचे और शिकायत लेकर आए लोगों पर मौजूदा पुलिस कर्मी पर जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग करने लगे, जिसमें कई पुलिस कर्मी सहित शिकायतकर्ता घायल हो गए। माहौल हिंसक होता देख मधुबन थाना प्रभारी ने अपने वरीय अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद बागमारा अनुमंडल के अधिकारी अपने दल बल के साथ पहुंचे। वहीं गोलीबारी की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि थाने में हमला किया गया है, फायरिंग और पत्थरबाजी की गई है, जिसमें पुलिसकर्मी और शिकायतकर्ता लेकर आए लोग घायल हुए हैं। पुलिस के वाहन सहित कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें पुलिस की ओर से भी मामला दर्ज किया जाएगा और जो भी दोषी है उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। शुरू से बता दे रहे हैं, जिस दिन बारिश पानी हुई है उस दिन से सारा का सारा बिजली गया हुआ था पूरा क्षेत्र का। तो इस साइड से लाइन पार हुआ है 2 फीटर BCCL का, एक 14 नंबर कहलाता है, एक 16 नंबर कहलाता है। तो 16 नंबर 14 नंबर दोनों ब्रेक डाउन था। कल रात को 14 नंबर का ब्रेक डाउन BCCL एक तरफ से बनाया, दूसरी तरफ 16 नंबर बन रहा था। रात 9 बजे जाके हम लोग का उधर का कम्प्लीट हो गया, तो जैसे लाइन देने के लिए गया तो शेख गुड्डू उस लाइन को खुद स्वयं खड़ा होकर कटवा दिया गया कि बिजली अगर हमारा नहीं जलेगा तो किसी का नहीं जलेगा। तो हम लोग उस समय नहीं थे, कुछ लड़के लोग थे, तो लोग बोले भाई पता करते हैं कि झूठ बात है कि सर कहीं बिजली मिस्त्री लोग झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो वो लोग यहाँ पता करने आया तो वो लोग को रगेत के मारा गया। सोना का चैन पहना था कि बच्चा, उसका चैन भी गिर गया या वो लोग छीन गया ये तो नहीं मालूम। उसके बाद उसका सर भी फटा हुआ है। थाना प्रभारी उनका गाड़ी खोज के दिलवाए, बोले तुम लोग जाओ घर, हम लोग बात करेंगे। सुबह हम लोग जब पता चला तो हम लोग बोले भाई तो प्रशासन का मैटर है कि कोई गुंडे ही करेगा। हम लोग प्रशासन के पास सिर्फ यही मांग रखने आए कि वो ऐसा गुंडे ही कर रहा कि इधर से लाइन पार होगा तो लाइन कर देगा और लड़का लोग पूछने आएगा तो मारेगा। हम लोग यही बात कर रहे थे तब तक उधर से 300-400 में वो लोग लैस हथियार से लैस होके, बाकी तो कुछ पत्रकार मीडिया बंधु भी हमारे थे ही। बड़ा बाबू को हम तो धरना में बैठे हुए तो मुड़ कर देखे बड़ा बाबू के पेट पर पीठ पर मार किया है वो लोगों ने थाना में चढ़ कर। ये तो प्रशासन की, अब हमारी तो कोई लड़ाई रही ही नहीं, ये प्रशासन की लड़ाई रही कि उनके सामने में उनके उनके ऊपर वार किया गया। मैडम इंस्पेक्टर साहिबा को कुछ लड़के लोग अंदर कवर करके अंदर ले गए। कम से कम 6-7 राउंड फायरिंग हुआ है और प्रशासन के सामने पत्थरबाजी। कल रात में दो गुटों के बीच मधुबन थाना अंतर्गत झड़प हुई थी, जिसके बाद एक पक्ष के द्वारा थाने में आकर आज दिन में आवेदन दिया जा रहा था। उस समय दूसरे पक्ष के द्वारा थाने पर भीड़ बनाकर यहाँ पर कुछ हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें इन लोग एक पक्ष के द्वारा थाने के ऊपर पत्थरबाजी की घटना घटित हुई है और ऐसा भी सूचना मिल रहा है कि इनके द्वारा फायरिंग की भी घटना की गई है। हाँ, खोखा जो है बरामद करने की कोशिश की जा रही है, जितने खोखे बरामद हो सकते हैं घटना स्थल से खोखे बरामद किए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी का ऐसा कोई नाम नहीं है, अभी जो पक्ष है जिसके ऊपर हमला किया गया उनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, जिसमें जांच पड़ताल के बाद जो मुख्य आरोपी कौन है उसकी सूचना ली जाएगी और जो भी आरोपी इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही गंभीर घटना है, थाने के ऊपर पथराव करना या थाने के ऊपर फायरिंग करना ये सबसे गंभीर अपराध में से एक है और जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त होंगे, ये हमारा जनता से वादा है कि जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि उनके द्वारा इस तरह की घटना की गई है भविष्य में इस तरह की, ताकि कभी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। हाँ, कुछ जवानों को बचाव के क्रम में चोट आई है, किसी को पत्थर से भी शायद चोट आई है, तो उनको इलाज के क्रम में हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। हाँ, जो भी कुछ जनता की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, पुलिस की गाड़ी का अभी तक हमें सूचना नहीं है कि पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा भी एक FIR दर्ज की जाएगी, जो व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर पुलिस की तरफ से भी एक अलग FIR दर्ज की जा रही है। ये
खबरों की नई पहचान।